हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन ए प्लेन, यूनिट नंबर सेकंड, डी पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी बच्चों। मोशन इन ए प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, और जो सैटरडे को हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसका पहला टेस्ट हमारा सैटरडे को होगा, वो इसी चैप्टर में से होगा। पहले ही बता दिया आपको, इसीलिए अच्छे से आप इसको साथ साथ करते चलिए। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन में सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें बच्चों, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल इज ए नेम गिवन टू ए बॉडी विच थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल एक नेम है गिवन टू ए बॉडी, किसी भी बॉडी को दिया गया है जो क्या किया जाए, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जिसको थ्रो कर दिया गया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, उस बॉडी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल इज ए नेम गिवन टू ए बॉडी विच थ्रो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको फेंक दिया जाए, एंड अलाउ टू इट फ्री, अलाउ टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसको अलाउ कर दिया जाए किसके इफेक्ट में, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्टोन है, हम उसको मूव कर दें, ठीक है, थ्रो कर दें, तो वो क्या जो है प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। हमारे पास कोई गन है, उससे हम क्या कर दें, फायर कर दें, तो यानी कि जो बुलेट है वो क्या हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एरोप्लेन से अगर बम को रिलीज कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। एक बैट्समैन होता है, वो क्या कर देता है, हिट कर देता है बॉल को, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। एक फुटबॉल प्लेयर होता है, वो भी क्या कर देता है, किक कर देता है फुटबॉल को, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। तो ये जानने की हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विद सम इनिशियल वेलोसिटी थ्रो कर देते हैं तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, कि जो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन के दौरान जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो पाथ क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जिसमें प्रोजेक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं कि हमने किसी हाइट से क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में किसी हाइट से हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से हमने क्या किया, इसको थ्रो किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। वर्टिकल प्लेन में किसी हाइट से, जैसे कि हमने किसी बिल्डिंग से किसी पत्थर को थ्रो कर दिया, ठीक है, वही केस है। तो यानी कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने तो एक बार वेलोसिटी दी इसको, इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इस प्रकार से फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसके पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक है, तो यानी कि हमने जो चीजें दी है वो साथ साथ हम यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बच्चों, वो क्या है, यू है। क्या है, यू, और वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। क्या है, इनिशियल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, हमारी जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकल वेलोसिटी दी ही नहीं। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे आ गई इसके अंदर, वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण वो आई है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने बता दिया, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ना, ये क्या रहेगी, हमने बात की, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद में वर्टिकल वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगी, और वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। क्या रहेगी, वेरिएबल भी होगी
और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लगातार क्या करेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देखेंगे तो वो इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और सरफेस को जब हिट करेगा ऑब्जेक्ट तो वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे बच्चों, यानी कि ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, किस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले अगर बात करें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में, तो हॉरिजेंटल मोशन की अगर बात करें, हॉरिजेंटल मोशन की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन होता है कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्क्वेयर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि हॉरिजेंटल मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है हमारा वो क्या है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर यहां से इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, टाइम क्या है, t है, लेकिन एक्सीलेशन अलोंग x एक्सिस, मैंने बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट है अलोंग x एक्सिस, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड की एक्स वाई यू आ जाएगी, एक्स वाई यू। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हमने मोशन अलोंग ओरिजेंटल डायरेक्शन निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार से मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन निकालेंगे तो इक्वेशन कौन सी ली जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन की। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वेयर, ए वाई टी का स्क्वेयर। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और एक्सीलेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमने ली थी क्या, नहीं, हमने केवल ओरिजेंटल वेलोसिटी ली थी यू, तो यानी कि ये तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाफ और ए वाई का मतलब होता है एक्सीलेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्सीलेशन अलोंग वाई एक्सिस यानी कि फ्री फॉल है, फ्री फॉल में एक्सीलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, और डाउनवर्ड एक्सीलेशन हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। तो यानी कि एक इसके एक्सीलेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, जी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद टी का स्क्वेयर, यानी कि टी का स्क्वेयर, इस प्रकार से। ओके, अगर ये वैल्यू टी की हम मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले यहां पुट कर देते तो वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू हाफ जी और टी का स्क्वेयर, यानी कि एक्स का स्क्वेयर बाई यू का स्क्वेयर। ठीक है, तो हाफ जी बाई यू ये क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। अगर इनको हम इनकी जगह पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और बच्चों आपने पढ़ा है कि ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर विच इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, इट मीन्स कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक पाथ होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री सबसे पहले हमने फाइंड आउट की है, और ट्रेजेक्ट्री में क्या पता चला हमें कि जो ऑब्जेक्ट है जो थ्रो किया गया है प्रोजेक्टाइल, उसकी ट्रेजेक्ट्री किस प्रकार की होगी, पैराबोलिक होगी, कैसी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में ही टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट के दौरान जो टोटल टाइम लिया ना, वही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, वर्टिकल, क्योंकि अप से डाउन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि वर्टिकल इक्वेशन ले लेंगे हम, तो वर्टिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी मोशन की, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, इस प्रकार से, हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई क्या हो जाएगा, जी के इक्वल, और डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, इंटू में क्या हो जाएगा, टी का स्क्वेयर, इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, टी का स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को किसकी फॉर्म में लिखें कि वाई क्या हमारी हाइट है, ठीक है, क्या है, हाइट, इस प्रकार से हाइट, और ये क्या हो जाएगा, हाफ, और जी, और टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी का स्क्वेयर। ठीक है, अगर इस वैल्यू में हम इसकी वैल्यू निकालें, देन टाइम पीरियड जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2h by g under the root। ठीक है, under the root, तो यानी कि टाइम पीरियड हमारा क्या है ओरिजेंटल प्रोजेक्शन में, t
टी इज इक्वल टू टू एच बाई जी, यानी कि हाइट अगर दिया है हमें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो होरिजेंटली थ्रो किया गया था वो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, सरफेस को हीट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा होरिजेंटल रेंज। होरिजेंटल रेंज में क्या बच्चों, कि हमने होरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हमारा होरिजेंटल रेंज है, क्या है होरिजेंटल रेंज। तो होरिजेंटल रेंज में होरिजेंटल इक्वेशन लेनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की। तो यानी कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्केयर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तो r में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हमारे पास 2h by g। और ये क्या एक्सीलेशन अलोंग x एक्सिस, तो एक्सीलेशन अलोंग x एक्सिस कितना था हमारा, जीरो था। तो यही क्या हो जाएगी हमारी ओरिजेंटल रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी ओरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो ओरिजेंटल रेंज क्या आ जाएगी, यू 2h by g अंडर द रूट, ये हमारी होरिजेंटल रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लास्ट टॉपिक, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट पे कंसिडर कर लिया किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यानी कि अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी को टू कंपोनेंट सिस्टम में अगर रिजोल्व किया जाए वी को, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स ओरिजेंटल डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा वी वाई वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम रिजल्टेंट निकाले इनके बीच में, तो रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, यानी कि ये वी वाई है तो क्या हो जाएगा ये भी वी वाई आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां से इस एंगल को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा या बीटा एंगल कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, बीटा एंगल। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीएक्स का स्क्वायर प्लस में वीवाई का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो वीएक्स का स्क्वायर यानी कि वी इज इक्वल टू वीएक्स का स्क्वायर प्लस में वीवाई का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, वीएक्स किसके इक्वल आएगा बच्चों, वीएक्स तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, यू एक्स यू प्लस में ए टी, ए इस प्रकार से। तो vx तो हमारा किसके इक्वल आ गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी u ही है, तो यानी कि vx तो किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। इसी प्रकार वर्टिकल वेलोसिटी करें तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस में क्या आ जाएगा, ay t आ जाएगा, क्या आ जाएगा ay t। देन vy किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होती है हमारी, जीरो होती है, प्लस में एक्सीलेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, किसके इक्वल है, जी के बराबर है। तो यानी कि वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, जी टी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जी टी के इक्वल हो जाएगा हमारा ये। देन अगर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यू का स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर टी का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। एंड इफ हमने डिटरमाइन करनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये देखिए डायरेक्शन, टेंजेंट बीटा वर्टिकल ओवर में होरिजेंटल। ठीक है, तो यानी कि टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा हमारा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर में वी एक्स। ठीक है, वी वाई किसके इक्वल निकाला हमें, जी टी के इक्वल निकाला, और वी एक्स किसके बराबर, यू के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट बीटा, क्या हो जाएगा टेंजेंट बीटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या निकाला है, प्लेन मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन को समझा, उसके एग्जांपल्स को समझा, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल होता है, फिर सबसे फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो हमने किया, प्रोजेक्टाइल गिवन होरिजेंटल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन होरिजेंटल प्रोजेक्शन में हमने क्या निकाला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमें पैराबोलिक पाथ मिला है। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, उसके बाद में हमने होरिजेंटल रेंज निकाला, उसके बाद हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाला यानी कि वेलोसिटी निकाला, उसके बाद हमने डायरेक्शन निकाला किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आपने वो सब सोल्व करने हैं, और जो आपके एमसीक्यू होंगे वो इनसे रिलेटेड ही होंगे। ओके, थैंक यू।